ताजनगरी को जाम के जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं। उसके बावजूद भी ताजनगरी के कई प्रमुख चौराहों पर लोग घंटों जाम में फंसे दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं छिपी टोले चौराहे की, जहां आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है और इस चौराहे पर कोई भी यातायात पुलिसकर्मी जाम खुलवाने के लिए मौजूद दिखाई नहीं देते हैं। ताजनगरी आगरा को जाम के जाम से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ये वादे कहीं न कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा के प्रमुख चौराहों पर रोजाना जाम की स्थिति रहती है, जहां लोग घंटों जाम में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छिपटोला चौराहे की, जहां आए दिन ताजनगरी के लोग जाम के जाम में फंसे दिखाई देते हैं और इस जाम को खुलवाने के लिए कोई भी यातायात पुलिसकर्मी यहां मौजूद नहीं रहता। वहीं चौराहे से कुछ ही दूरी पर रकाबगंज थाना है, उसके बावजूद भी इस चौराहे पर घंटों जाम लगा रहता है। वहीं जाम में फंसे लोग यातायात व्यवस्था को कोसते नजर आते हैं। वाहन स्वामियों का कहना था कि इस चौराहे पर आए दिन जाम की समस्या रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहता। ऐसे में यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। रोजाना निकलते हैं चौराहे से? हाँ, रोजाना निकलते हैं, मगर कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है। ऑटो ट्री बहुत लग जाता है कभी कभार, कभी कभार देखा था कभी नहीं दिखाई देते हैं। ताजनगरी आगरा को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ताजनगरी आगरा को जाम के जाम से निजात दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि ताजनगरी के कई ऐसे मुख्य चौराहे हैं जहाँ रोजाना जाम की स्थिति लगी रहती है। ऐसे ही एक चौराहे की हम बात कर रहे हैं, ये छिपी टोला का चौराया है। यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन आप यह देख सकते हैं कि मौके पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी या कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए नहीं मौजूद है। अब देखना यह होगा कि जाम ताजनगरी आगरा को जाम के जाम से कब तक निजात मिल पाती है। अपने साथी सुबह कुमार के साथ फैजान अहमद, डीजी महाराजा न्यूज़ आगरा।